पता है, जब मैं भी छोटी थी ना, तो मैं भी अपना सारा गुस्सा ऐसे खाने पे निकालती थी। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें रियलाइज होता है कि भूखे पेट रहने से मूड और ज्यादा खराब होता है। प्लीज खा लो थोड़ा सा। नो, अगर खाना नहीं खाओगी तो गुस्सा होने की एनर्जी कैसे आएगी, और फिर आप स्ट्रांग भी नहीं बन पाओगे। हाँ ओके, नहीं बनना मुझे स्ट्रांग, बट मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। ए या तो तू ये खाना खा, या मेरे हाथ से जोर का चाटा। कल से देख रही हूँ तेरे नाटक। हाँ पापी चिड़िया, ये खाना चुग, वरना एक लगाऊंगी तेरे मुंह पे। अच्छा ये बनाया है। अभी तो सिर्फ ड्राइंग खराब की है। अगर तू मुझे ऐसे ही गुस्सा दिलाती रहेगी ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू कभी सोच भी नहीं सकती। अभी प्यार वाली माँ बन रही हूँ, लक्षण सुधारने वाली माँ देखनी है। विजयी राशि कितना नाराज होगा है। जरूरत थी मुझे ऐसा बोलने की उसके सामने। ऐसे तो डरती रहती है, जब बोलने लगते ना तो तेरी गाड़ी किसी स्टेशन पर नहीं रुकती है। कुत्ता कहाँ है यार? तो मनाने के लिए पैनकेक्स लेकर आई हूँ, और कहीं मिल भी नहीं रही। रूम में देखती हूँ इसके। माँ चाहिए थी ना तुझे, ले मिल गई माँ। अब तेरा चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब इस माँ के हिसाब से ही होगा। और ये माँ कभी ना नहीं सुनती। चल बैठ अब। ये ले और फूस फूस इसको। गुड गुड। जब जब मेरी बात मानेगी, जैसे प्यार से खिलाती रहूंगी, और जब जब नहीं मानेगी, तब और पार्टी करने के बाद मुझे तेरी माँ बनना पड़ रहा है। क्या करूं? अमीर और बड़े घर में शादी करने की कंडीशन जो है, लेकिन फायदा भी तो है, क्योंकि तेरे पापा ते हॉट और सेक्सी जो है, बस एक ही बोझ है तू। चल अब जल्दी से इसे खा, और एक क्यूट सी यार इसी स्माइल वाली सेल्फी ले मेरे साथ। आखिर उन्हें भी तो लगना चाहिए कि बहू के रूप में सुपर मॉम आई है। स्पेशली तेरी उस बुड्ढी खूसट दादी को, जब देखो अपने प्रवचन झाड़ती रहती है।